नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नुपुर है और मैं फोर्टिस गुड़गांव में डिपार्टमेंट ऑफ ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी में एज ए डायरेक्टर काम करती हूँ। जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल हम सब कोरोना वायरस से डरे हुए हैं, जिसका शुरुआत वुहान सिटी चीन में हुआ था इन दिसंबर 2019। ऑल्दो हमारे पास इनफ डेटा नहीं है कि ये प्रेगनेंसी को और न्यू बॉर्न को कैसे अफेक्ट करता है, बट अब तक जो भी डिलीवरीज हुई है वो चाइनीज डेटा है। सबसे पहली पब्लिकेशन हुई थी WHO की तरफ से, जिसमें उन्होंने 147 वेमेन को स्क्रीन किया और ये देखा गया कि उनको माइल्ड सिम्टम्स ही थे, जैसे फीवर, सोर थ्रोट, गला दुखना और खांसी होना, पर इनमें से कुछ लेडीज ऐसी भी थी, करीब 8% जिनको सीरियस प्रॉब्लम्स हुई और 1% क्रिटिकल भी हुई, बट द न्यू बॉर्न वॉज अनअफेक्टेड। अनदर स्टडी दैट वॉज पब्लिश्ड इन लैंसेट इन जनवरी एंड फेब्रुवरी, जिन डिलीवरीज जो भी देखी गई उनमें कुछ भी दुष्प्रभाव बच्चों पर नहीं था और प्रेगनेंसी स्मूथ हो गई। एक लास्ट स्टडी पब्लिश हुई है जो कि पीडियाट्रिक जर्नल में, जिसमें उन्होंने न्यूबॉर्न हेल्थ पर भी फोकस किया है और इन मदर्स को भी फॉलो किया। ऑल्दो हमारे पास नंबर बहुत स्मॉल है अभी कहने के लिए, ओनली 9 मदर्स हैव बीन स्क्रीन्ड, पर ये वाले बच्चे कुछ प्री मेच्योर भी हुए और इन बच्चों का थ्रोट स्वाब किया गया एट द टाइम ऑफ बर्थ, एमनियोटिक फ्लूइड को भी टेस्ट किया, कॉर्ड ब्लड को भी टेस्ट किया, जो कि नेगेटिव पाया गया। इससे ये प्रूव होता है कि कोई भी मदर से बच्चे को यूट्रो प्लासेंटल स्प्रेड नहीं हुआ है, मतलब वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। अब जब डिलीवरी हो जाती है तो न्यू बॉर्न को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम सभी एनकरेज करते हैं, पर इन मदर्स को जिनकी इन्फेक्टिविटी हाई है, जिनमें वायरस पॉजिटिव है, तो हम दो तरीके अपना सकते हैं। पहला कि ब्रेस्ट मिल्क को एक्सप्रेस करके बच्चे को दें, दूसरा ये कि हम टॉप फीड कर दें, पर उस स्थिति में जहाँ की मदर ब्रेस्ट फीड करने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है तो उन्हें पूरे प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे कि बच्चे को ना जाए। बट विद दिस लिमिटेड डेटा अब हमारे हाथ में क्या है, क्योंकि अभी वैक्सीन भी अवेलेबल नहीं है, अगर वो भी जाएगी तो प्रेगनेंसी में देना शायद सेफ ना हो, तो एज अ प्रेग्नेंट मदर आपको क्या प्रिकॉशन लेना है, विच विल बी लाइक एनी अदर पर्सन, मतलब हमें क्राउडेड प्लेसेस में नहीं जाना, हमें फ्रीक्वेंटली हैंड वॉश करने और हमें अपना बचाव करना है, या घर में किसी को किसी भी तरह का अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है तो वो लेना है, और हमें अगर फ्लू शॉट नहीं लगा है तो हमें फ्लू शॉट लगवाना है, क्योंकि कई बार फ्लू के सिम्टम और इस वायरस के सिम्टम एक ही तरह से प्रेजेंट करते हैं। प्रेगनेंसी में आपको बहुत सारी चिंताएं होती हैं कि वजन कैसे बढ़ेगा, बच्चे की ग्रोथ कैसे होगी, कहीं ब्लड प्रेशर ना हो जाए, डिलीवरी का पेन कैसा होगा, लेकिन अब ये एक और स्ट्रेस आप सभी के ऊपर है, लेकिन हम सब साथ हैं और अगर हम इसको मिलकर फाइट करेंगे तो हम लोग कोरोना वायरस को डिफीट कर पाएंगे। थैंक यू।